चपरासियों के नाम पे अरबों रुपया जो उन्होंने पकड़ा, एक एक हार्ट अटैक से मर चुका है डॉक्टर रिजवान, मर चुका है, और दूसरा उसको भी हार्ट अटैक हुआ जो दूसरा ऑफिसर था। आज वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है और मैं इंशाल्लाह इस पे बताऊंगा कि वो कौन सी जहर इस्तेमाल की जाती है जो खाने में डालते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो एफआईए तो तबाह हो गई, उसके ऊपर एक कातिल बिठा दिया, फैसलाबाद का कातिल जिसने 18 लोगों को कत्ल किया राणा सनाउल्ला, वो बैठ गया ऊपर। अब यही एफआईए से वो होगा जो एमक्यूएम ने कराची की पुलिस से किया था 1996 में। नसीरुल्ला बाबर ने एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन किया, 1997 में गवर्नमेंट चली गई पीपल्स पार्टी की, नवाज शरीफ आ गया, इसने एमक्यूएम से समझौता कर लिया, एमक्यूएम ने चुन चुन के एक एक पुलिस वाले को कत्ल किया जो ऑपरेशन में शामिल था। और आज तक मेरे पाकिस्तानियों, आज तक कराची पुलिस अपने पैर पे नहीं खड़ी हुई, रेंजर बुलाने पड़े हैं, पुलिस खत्म होगी उसके बाद। इसी तरह इदारे खत्म होते हैं जब मुजरिमों को ऊपर बिठाते हैं। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने इनका मुकाबला करना है, अपने मुल्क को बचाना है इन चोरों से, अमरीकनों के गुलामों से। और आपने सबने मेरे साथ निकलना है, फिर से हाथ खड़ा करके बताओ निकलोगे।